नहीं, ये तो लगातार 3 महीनों पर बैठक होती है 6 महीने, और ये गृह मंत्री जी इसके मतलब संविधान सम्मत तरीके से अस्थाई अध्यक्ष होते हैं। ये जो क्षेत्रीय परिषद कहलाता है, ये पूर्वी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, ईस्टर्न जोनल काउंसिल है, ये संवैधानिक व्यवस्था ही है कि देश को अलग अलग क्षेत्रों में बांट के जो मैंने राज्य अंतरराज्यीय विषय होते हैं या फिर केंद्र और राज्य के बीच में का कोई मुद्दा होता है जो विमर्श के लायक होता है, तो वो इस कमेटी की बैठक में होता है। और संयोग से मैं पिछली दफा जो कलकत्ते में मीटिंग हुई थी इसी निकाय की, इसी बॉडी की, उसमें मैं सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में मैं गया था। तो वहाँ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे कुछ झारखंड के साथ जो मुद्दे हैं, पेंशन का मामला है या फिर जो कुछ बोर्ड निगम है उनके परिसंपत्तियों का बंटवारा है, फिर कुछ सिंचाई विभाग जल संसाधन विभाग से जुड़े कुछ मुद्दे हैं कि हम लोग जो महानंदा बेसिन में उधर से पानी लेने का जो तीस्ता महानंदा का कनेक्शन है, उधर से हम लोग का फुलवारी डैम है, उससे किशनगंज एरिया में पटवन की सुविधा मिल सकती है, जिसके लिए बातचीत चलती है। तो जो चाहे अंतरराज्यीय दो से या उससे अधिक राज्यों के बीच का कोई मामला होता है या फिर केंद्र के साथ इस क्षेत्र के किसी राज्य का कोई मामला होता है, तो उन मुद्दों पर इस बैठक में विचार किया जाता है। और इसके मुद्दे भी पहले से तय रहते हैं, जो अभी भी आज इसका एजेंडा भी सब जगह आ गया है। और जो पिछली बैठक हुई थी उसमें जो निर्णय हुए थे, मतलब पिछले बैठक की कार्रवाई की भी सूचना आ जाती, तो वो सब आ जाती है। ये तो एक संवैधानिक व्यवस्था है, इसके तहत बैठक होती है। और इसमें भी अगर सब लोग सही तरीके से सही दृष्टिकोण से बातचीत करते हैं तो निराकरण निकलता है, होता भी। देखिए, सबसे पहली बात तो इसको सियासत से कोई मतलब ही नहीं, जैसा कि हमने कहा कि ये प्योर जो संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ है, जिसके समझिए 100 officio पदेन अध्यक्ष इस देश के गृह मंत्री होते, और उस क्षेत्र में पड़ने वाले सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो एक तो ये उसकी बैठक है, और इसकी बैठक नियमित अंतराल पर होते रहती है। ये नहीं है कि इस मीटिंग को मैंने विशेष रूप से कोई तारीख या समय निश्चित करके आयोजित किया जा रहा है, ये नियमित अंतराल पर होने वाली बैठक है, जो इस बार पटना में हो रही है, पिछले बार कोलकाता में हुई थी। और इसमें जो, जैसा कि हमने कहा कि जो अंतरराज्यीय मुद्दे होते हैं, अंतरराज्यीय मतलब दो स्टेट्स के बीच का या फिर कोई एक तरफ केंद्र सरकार दूसरे तरफ राज्य सरकार के बीच अगर कोई लंबित मुद्दे रहते हैं, तो उस पर मतलब इस परिषद की बैठक नजदीक से बात करके निराकरण ढूंढा जाता है। कल जो बैठक, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।